मेरे बच्चे क्यों उदास बैठा है? थक कर बैठ गया, थक कर बैठ जाएगा तो मंजिल तक कैसे पहुँचेगा? तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसके सहारे तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। तुम अपने आप को पहचानो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम मुझसे नाराज़ भी हो जाते हो, कई बार कहते हो कि बाबा आपके होते इतने दुख क्यों? मेरे बच्चे, मैं तेरे बुरे कर्मों को साफ कर रहा हूँ, और कर्मों की सफाई तो दुख से ही होती है, और इन दुखों के बाद खुशियाँ आएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हें अपने सहारे जीना है, हम सफ़र कोई भी ना रहे। मुझसे नाराज़ हो जाओ लेकिन खुद से खफा ना रहो, मुझसे दूर चाहे हो जाओ लेकिन खुद से जुदा ना रहो। इंसान को आईना केवल दुख ने दिखाया, खुशियों ने केवल बाहर की ओर भटकाया। दुख उसे भीतर ले गए, उसे खुद से मिलवाया। दुख का आईना बहुत पारदर्शी होता है, उसमें कुछ धुंधला नहीं दिखता, सब कुछ साफ नजर आता है, सारे चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। दुख पूरा नहीं होता, दुखी तो सच्चाई बताता है मेरे बच्चे। वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। शुरुआत खुद से कीजिए, एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत खुद से कीजिए। ये छोटी सी शुरुआत किसी दिन ही बड़ा रूप ले लेगी। ईमानदारी से लगे रहिए, एक वक्त आएगा जब आप अंदर के बदलाव बाहर दिखाई देने लगेंगे। वो बातें जो आपको अक्सर नाराज करती हैं, वो बातें आपको धैर्य सिखाने के लिए आती हैं। जो भी आपको बीच राह में छोड़ गया, वो दरअसल आपको खुद के भरोसे जीना सिखाने आया था। आपको जिस चीज़ पर गुस्सा आता है, वो आपको करुणा और क्षमा सिखाने के लिए आती है। आपके अंदर जो भी बदलाव है ना, वो दुख की वजह से आते हैं। सुख में तो इंसान कभी नहीं बदलता, इसलिए मेरे बच्चे दुख से मत घबराया कर। सब कुछ है तेरे पास और तू मंजिल तक जरूर पहुँचेगा।